श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विश्व हिंदू परिषद के 60 साल हो गए पूरे, ये कहना है गाजीपुर के विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष का। विहिप के 60 साल पूरे होने पर जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने उपलब्धियां भी गिनाई। अयोध्या राम मंदिर निर्माण, ज्ञानवापी मामला और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विहिप की उपलब्धि गिनाई। साथ ही विहिप ने गौ रक्षा, 40 लाख लोगों को धर्मांतरण से बचाया और फिर 9 लाख लोगों को हिंदू धर्म में वापस करवाया। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप के 60 साल पूरे हो गए। 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विहिप द्वारा गाजीपुर जिले में सभी मनाए जाने वाले जन्माष्टमी स्थल पर उपलब्धियां गिनाने और विहिप से लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। इस बात की जानकारी विहिप के जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने पत्रकार भवन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के 60 साल पूरे हो रहे हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर जिला में मनाए जाने वाले सभी जन्माष्टमी स्थल पर विहिप कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों के बीच पिछले 60 सालों की उपलब्धियों को बताने और उनको विहिप से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस दौरान जिलाध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने बताया कि 1990 में जिस तरह से राम जन्मभूमि की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, आज वो राम जन्मभूमि भव्य रूप से बनकर तैयार हो गया है। वहीं बाबा विश्वनाथ के ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर हम जीत के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। जब भी फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा। उधर श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की लड़ाई भी लड़नी शुरू हो गई है। उन्होंने उपलब्धियों में गौ रक्षा को भी अपनी उपलब्धि बताया और कहा कि इस पर बड़े पैमाने पर काम किया गया है। और साथ ही साथ विहिप की सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी है कि धर्मांतरण पर काम किया गया और 40 लाख लोगों को धर्मांतरण होने से बचाया गया। साथ ही 9 लाख हिंदू लोगों को जो धर्म परिवर्तन कर चुके थे उनको दोबारा से हिंदू धर्म में वापसी करवाई गई। आज विश्व हिंदू परिषद की उपलब्धियां को बताने के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, 1964 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी और कल जन्माष्टमी को 60 साल पूरे हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद की उपलब्धियों को मैं संक्षेप में गिनाना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, राम मंदिर तो हमारी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके अलावा हम कई ऐसे सार्वजनिक कार्य करते हैं, हिंदू हित के कार्य करते हैं। जैसे हमारा धर्मांतरण, आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश में हम 40 लाख लोगों को धर्मांतरण करने से बचाए हैं, रोके हैं, और 9 लाख लोगों को धर्मांतरित होने के बाद वापस ले आए हैं। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। हम आज भी धर्मांतरों को रोकने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, हमारे कार्यकर्ता करते हैं। हम गोसेवा करते हैं, हम मंदिरों की सुरक्षा करते हैं। हमारे कार्यकर्ता जहाँ भी मठ मंदिर है उसकी सुरक्षा, संस्कृतियों की रक्षा के लिए हमारे तमाम आयाम बने हुए हैं। लोग संस्कृति संस्कार की रक्षा करते हैं, हमारे संस्कारशाला गांव गांव में चलते हैं। आपने बताया कि राम मंदिर के अलावा बहुत सारी भी उपलब्धियां आप लोग चाहते हैं। हाँ, ये है हमारी उपलब्धि। हम गोसेवा करते हैं, संस्कारशाला चलाते हैं, हम गोरक्षा करते हैं और धर्मांतरण के विरोध में हर कार्य हमारे कार्यकर्ता करते हैं कि धर्मांतरण जैसे हो सके रुके। यूपी न्यूज 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।